जैसा कि दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने एंथोसिरोस के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस यानी कि एंथ्रेडियम के बारे में डिस्कस किया आज के इस वीडियो में हम एंथोसिरास के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस यानी कि आर्चिगोनियम के बारे में डिस्कस करेंगे तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इसके आर्चिगोनियम की संरचना कैसी होती है कहाँ पाया जाता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं मैच्योर आर्चिगोनियम इज एम्बेडेड ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द थैलस तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस की भांति जो मैच्योर आर्चिगोनियम होता है थैलस के डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है और अंदर की ओर धसा होता है यानी कि डार्सल सरफेस पे थैलस के अंदर की ओर धसा होता है द प्लेस ऑफ आर्चिगोनियम ऑन द थैलस कैन बी आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज माउंट वही बात करें कि ये जो आर्चिगोनियम होता है थैलस पे कहाँ पाया जाता है तो ये जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर म्यूसीज माउंड आपको देखने को डॉट के रूप में मिलता है तो आप फिगर में देख सकते हैं आपको यहाँ पर म्यूसीस माउंड देखने को मिल रहा है और ठीक उसी के नीचे आपको आर्चीगोनियम मिलेगा आर्चीगोनिया आर प्रोड्यूस क्लोज टू द ग्रोइंग पॉइंट तो ये जो आर्चीगोनिया होता है ये जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसके नजदीक बनता है इच आर्चीगोनियम कंसिस्ट ऑफ एन एग एंड ए वेंट्रल कैनाल सेल एंड फोर नेक कैनाल सेल फोर कवर सेल एट द टॉप प्रत्येक जो आर्चिगोनियम होते हैं उनमें एक एक सेल पाया जाता है वेंट्रल कैनाल सेल पाया जाता है फोर नेक सेल नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं और चार कवर सेल पाए जाते हैं तो ये जो कवर सेल होते हैं ये ऊपर की ओर थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं और इन्हीं के ऊपर आपको म्यूसीस माउंट देखने को मिलेगा फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कवर सेल दिखाई दे रहा होगा तो ये जो कवर सेल होते हैं ऊपर की ओर ढक्कन की तरह आपको लगे हुए दिखते हैं इसलिए ये थैलस के ऊपर उभरे हुए दिखाई देते हैं कवर सेल के अलावा आपको फोर नेक कैनाल सेल दिख रहे होंगे एक वेंट्रल कैनाल सेल दिख रहा होगा और एक एक सेल आपको दिख रहा होगा तो आप फिगर में इन सभी सेल को देख सकते हैं आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिट की द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमिटोफाइट टेक प्लेस फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल डॉसर सेल हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म विच इज़ कॉल्ड आर्चिगोनियल इनिशियल विच डिवाइड ट्रांसफर टू फॉर्म ए अपर प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल एंड लोअर प्राइमरी स्टाल्क सेल तो जैसे कि हमने देखा था कि एंथ्रीडियम का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो सिंगल सुपरफिशियल डॉसल सेल से हो रहा था सेम वैसे ही फीमेल गेमिटोफाइट का भी फॉर्मेशन होगा इसका जो सेल होता है उसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होते हैं जिसे हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं और इनमें ट्रांसफर डिवीजन होता है और ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू जो अपर सेल होते हैं वो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल का फॉर्मेशन करते हैं और जो लोअर सेल होते हैं वो प्राइमरी स्टार सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो आप फिगर में देख सकते हैं आपको प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल और प्राइमरी स्टार सेल दिखाई दे रहा होगा प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल बाई थ्री पेरिकल डिवीजन टू फॉर्म ए सेंट्रल सेल विच इज कॉल्ड प्राइमरी एक्जियल सेल सराउंडेड बाई थ्री जैकेट इनिशियल तो जो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल है उनमें तीन बार पेरी डिवीजन होता है जिसके कारण एक सेंटर सेल बनता है जिसे हम प्राइमरी एग्जियल सेल कहते हैं और उसके चारों तरफ आपको तीन जैकेट इनिशियल दिखाई देते हैं तो आप फिगर में देख सकते हैं सी वाले में आपको है है थ्री जैकेट इनिशियल दिख रहा होगा और बीच में आपको एक प्राइमरी एक्जियल सेल दिख रहा होगा तो ये जो संरचना है वो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल में थ्री पेरिक्राइनल डिवीजन के थ्रू बनता है जैकेट इनिशियल डिवाइड बाय ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म टू टीयर्स ऑफ थ्री सेल इच तो जो जैकेट इनिशियल होता है वो डिवाइड होता है ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू और दो टीयर्स यानी कि दो लेयर बनाता है जिसमें तीन तीन सेल होते हैं यानी कि कुल छः कोशिकाएँ होती हैं द सेल ऑफ द अपर टीयर्स डिवाइड बाई एंटी क्लिनल डिविजन टू फॉर्म सिक्स सेल तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो जैकेट इनिशियल थे डिवाइड करके टू टीयर्स बनाए थे तो इसमें जो अपर टीयर होगा वो फिर से डिवाइड होगा एंटी क्लाइनल डिविजन के थ्रू और सिक्स सेल का फॉर्मेशन करेगा दी सेल डिवाइड ट्रांसफरली टू फॉर्म ए जैकेट ऑफ सिक्स रो ऑफ स्टेराइल नेक सेल तो ये जो सेल बने थे वे फिर से ट्रांसफर डिवीज़न करते हैं और जैकेट का फॉर्मेशन करते हैं यानी कि जैकेट सेल का जो सिक्स रो है वो फॉर्म होता है द थ्री सेल ऑफ़ द लोअर टीयर्स डिवाइड बाई ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म ए वेंटर वॉल तो जो लोअर टीयर के तीन सेल थे वो ट्रांसवर्ड और वर्टिकल डिवीजन के थ्रू वेंटर वॉल का फॉर्मेशन करते हैं द प्राइमरी एक्जियल सेल डिवाइड बाई ए ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म ए आउटर सेल एंड इनर सेल और जो प्राइमरी एक्जियल सेल था उसमें ट्रांसफर डिवीजन होता है और प्रोड्यूस करता है आउटर सेल और इनर सेल द आउटर सेल डिवाइड बाई ट्रांसफर डिवीजन टू फॉर्म टर्मिनल कवर इनिशियल एंड इनर प्राइमरी नेक कैनाल सेल तो जो आउटर सेल होता है वो ट्रांसफ़र डिवीजन से डिवाइड होता है और फार्मेशन करता है टर्मिनल कवर इनिशियल और इनर प्राइमरी नेक कैनाल सेल तो आप फिगर में देख सकते हैं आपको ऊपर की ओर कवर सेल दिख रहा है नीचे प्राइमरी नेक कैनाल सेल और प्राइमरी वेंटर सेल दिख रहा होगा तो आप फिगर में ई वाले पोर्सन में राइट right साइड देख सकते हैं द इनर सेल डिड डायरेक्टली फंक्शन एज प्राइमरी वेंटर सेल एंड डिवाइड ओनली वंस टू फॉर्म अपर इस्मॉलॉल वेंटर कैनाल सेल एंड लोअर लार्ज सेल तो जो इनर सेल होता है वो डायरेक्टली फंक्शन करने लगता है प्राइमरी वेंटर सेल की तरह और केवल एक बार डिवाइड होता है और फार्मेशन करता है अपर इस्मॉल वेंटर कैनाल सेल और लोअर लार्ज सेल का प्राइमरी नेक कैनाल सेल डिवाइड बाई सीरीज़ ऑफ़ ट्रांसफर डिविजन टू फॉर्म फोर टू सिक्स नेक कैनाल सेल तो ये जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल होते हैं इनमें लगातार ट्रांसफर डिवीजन के थ्रू चार से छः नेक कैनाल सेल का फॉर्मेशन करता होता है कवर इनिशियल डिवाइड बाई वन टू तो टू वेंट्रल डिवीजन टू तो फॉर्म टू टू फोर रोसेट लाइक कवर सेल एट द टिप ऑफ नेक तो जो कवर इनिशियल होती है इनमें एक से दो बार वर्टिकल डिवीजन होता है और दो से चार रोसेट लाइक यानी कि मतलब गुलाब के पंखुड़ी के आकार की जो कवर सेल होते हैं वो नेक के टिप पर बनते हैं तो आप फिगर में ऊपर की ओर कवर सेल देख सकते हैं रोज़ेट लाइक ठीक है और कवर सेल के नीचे आपको नेक कैनाल सेल दिख रहा होगा जो कि रो है चार कोशिकाओं चार या छः से कोशिकाओं के बने होते हैं फिर नीचे की ओर एक वेंटर कैनाल सेल दिख रहा होगा और सबसे लास्ट में आपको एक बड़ा सा एक सेल दिखाई दे रहा होगा तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मैच्योर आर्चिगोनियम होता है वो कैसा दिखाई देता है इन मैच्योर आर्चिगोनियम नेक इज़ कम्पोज ऑफ सिक्स वेरिकल रो ऑफ नेक सेल इनक्लोजिंग क्लोजिंग फोर टू सिक्स नेक कैनाल सेल तो जो मैच्योर आर्चिगोनियम होता है उसका जो नेक सेल होता है वो छः वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल का बना होता है यानी कि छ जो वर्टिकल रो है नेक सेल के वो कवर किए होते हैं किसको कवर किए होते हैं चार से छ नेक कैनाल सेल को तो आर्चिगोनियम में आप देख सकते हैं जो सुराही के आकार का दिख रहा है तो जो बाहर की ओर होते हैं छः वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल के होते हैं जो कि अंदर की ओर जो चार से छः कैनाल सेल हैं उनको ढके होते हैं द लोअर स्वेलन वेंटर कंटेन ए लार्ज एग एंड रिलेटिवली स्मॉल वेंटर कैनाल सेल तो नीचे की ओर जो वेंटर रीजन होता है वो फूला हुआ भाग होता है आप देख सकते हैं जिसमें कि एक बड़ा सा लार्ज एक्सेल होता है और उससे थोड़ा छोटा वेंटर कैनाल सेल होता है तो आप फिगर में देख सकते हैं आपको वेंटर रीज़न में वेंटर कैनाल सेल दिख रहा होगा जो कि छोटा है और उससे बड़ा एक्सेल आपको दिखाई दे रहा होगा और वेंटर सेल के वेंटर कैनाल सेल के ऊपर आपको नेक कैनाल सेल और कवर सेल दिखाई दे रहे होंगे आई नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की यानी कि एंथोसिरोस में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है नेक कैनाल सेल एंड वेंटर कैनाल सेल आर दिस इंटीग्रेट एंड म्यूसिलियस गेट कलेक्टेड एट द टिप ऑफ आर्चिगोनियम तो जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है तो जो नेक कैनाल सेल होते हैं और जो वेंटर कैनाल सेल होते हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और जो म्यूसलियस होते हैं वो आर्चिगोनियम के टिप पर इकट्ठा हो जाते हैं इट एब्जॉर्व वाटर स्वेल एंड अप बिकम आउट ऑफ द आर्चिगोनियम नेक बाई पुसिंग द कवर सेल अपार्ट तो ये जो म्यूसिलेज होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्वेल करता है और इसके कारण ये आर्चीगोनियम को पुश करते हुए यानी कि जो कवर सेल है उसको पुश करके आर्चीगोनियम से बाहर चला जाता है मेनी एंथेरेजोइ आर कैचिंग द म्यूसिलेज इंटर द आर्चीगोनियम नेक बिकॉज बाई कीमोटैटिक रिस्पॉन्स तो ये जो म्यूसिलेज होते हैं वो ढेर सारे एंथेजॉइड को कैच करते हैं ठीक है थीके? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कीमोटैटिक रिस्पॉन्स यानी कि रासायनिक रिस्पॉन्स के द्वारा जो एंथेरजॉयट होते हैं वो इससे चिपक जाते हैं और जो एंथेरोजॉयट्स होते हैं वो धीरे धीरे आर्चिगोनियम में प्रवेश करते हैं एग इन लार्ज एंड फिल द वेंटर मेनी एंथेजॉयट इंटर द नेक बट ओनली वन फ्यूज विथ एग तो जो वेंटर रीजन में एक सेल होता है वो बड़ा हो जाता है ढेर सारे एंथेजॉयट नेक के थ्रू अंदर प्रवेश करते हैं परंतु केवल कोई एक ही एंथेरोजॉइड जो होता है वो एक्सेल से फ्यूज करता है फ्यूजन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल न्यूक्लियर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जायगोट ओ आर आर स्पोर तो जब मेल और फीमेल दोनों आपस में फ्यूज करते हैं और फार्मेशन करते हैं डिप्लॉयड जायगोट जिसे हम स्पोर भी कहते हैं तो इस तरह से ऊ स्पोर यानी कि डिप्लॉयड जायगोट बनता है और स्पोरोफिटिक जनरेशन का फॉर्मेशन होता है तो इसका स्पोरोफिटिक इस जनरेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके इसपोरोफिटिक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत